सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लोकतंत्र तो लौट चुका है, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार तो बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों का खात्मा शत प्रतिशत नहीं हुआ है। अगर ये होता तो गुरुवार को बारामूला के गुलमर्ग से आतंकी हमले की खबर नहीं आती, देश के 3 जवान शहीद नहीं होते, 8 दिनों में एक के बाद एक 4 आतंकी हमले नहीं होते। सत्ता में आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की इस खूनी लहर पर हमने एक कुंजी तैयार की है, इसमें पाकिस्तान वाले कई पन्ने भी हैं। नई सत्ता आने के बाद जिस तरह ताबड़तोड़ आतंकी हमले हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर की नई लोकतांत्रिक व्यवस्था से परेशान हैं और किसी भी कीमत पर दहशत फैलाकर भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पूरा अपडेट देते हैं कि बारामूला अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आतंकी हमले में के बाद पिछले 24 घंटों से गुलमर्ग में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में हेलीकॉप्टर से 3 आतंकियों की तलाश की जा रही है। एलओसी पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। हमले वाली जगह के आसपास के रास्ते सील किए गए हैं। सेना के जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। आतंकी हमले पर सेना ने कहा है कि जवानों की शहादत को याद रखा जाएगा। आतंकी हमले के बाद LG मनोज सिन्हा ने आर्मी के बड़े अधिकारियों से बात की। मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों को मार गिराने का आदेश दिया गया है। आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान ये सब बंद करे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याएं होंगी। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार गुरुवार को आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में LOC से घुसपैठ की थी। उसके बाद नागिन इलाके में LOC के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। हमले में कल 2 जवान शहीद हुए और 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई थी। एक घायल जवान को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिन्होंने आज सुबह दम तोड़ दिया। गुरुवार को शहीद हुए जवानों में एक राइफलमैन कैसर अहमद शाह थे, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले थे। दूसरे जवान की बात करें तो उनकी पहचान राइफलमैन जीवन सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा के सिरसा के रहने वाले थे। शहीद हुए तीसरे जवान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दोनों पोर्टर जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनमें मुश्ताक अहमद चौधरी नौशेरा के रहने वाले थे, मंजूर अहमद मीर बारामूला के ही थे। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर आतंकी पोर्टर को टारगेट क्यों करते हैं। दरअसल दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में पोर्टर सेना के सबसे बड़े साथी होते हैं। ये सामान लाने और ले जाने में मदद करते हैं। पोर्टर सेना के जवानों के साथ सीमा पर हथियार लेकर तैनात नहीं रहते, या फिर ये दुश्मनों से लड़ते नहीं, बल्कि इनका मुख्य काम भारतीय सैनिकों की मदद करना होता है। पोर्टर्स को किसी भी क्षेत्र के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। आतंकियों को भी पता है कि पोर्टर सेना के लिए आंख और कान का काम करते हैं। ऐसे में तो जवानों के साथ साथ पोर्टर्स को भी टारगेट करते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर सेना आक्रामक मूड में है। सेना की ओर से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में 720 आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ 120 से 130 आतंकी ही जम्मू कश्मीर में बचे हैं। आतंकियों की नई भर्ती रुक चुकी है और आतंक का सारा खेल अब एबटाबाद के टेरर सेंटर में शिफ्ट हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संरक्षण और निर्देशन में आतंकवादी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। फिलहाल सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के जंगलों से लेकर LOC तक कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सिर्फ 120 सेकंड की इस न्यूज रील में आप भी देखिए। गुलमर्ग के इलाके में इस समय मौजूद है। तमाम घने जंगल जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग के इलाके के हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही यही जो ट्रैक है बटा पथरी इलाके का है। ये गुलमर्ग से नीचे आते हुए यहाँ रिहायशी इलाका है, यानी जो आतंकी जब घुसपैठ करते हैं ऊपर सरहदी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से, उसके बाद इन्हीं जंगलों के सहारे वो यहाँ पहुँच कर फिर इन रिहायशी इलाकों में जाते हैं। पूरे हमले में भी इसी तरह घुसपैठियों ने जो है एक तरीके से वो इस जंगल में जब मौजूद थे तो सेना की जो कॉन्वे थी वो इस इलाके में मूव कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद आतंकियों ने सेना के इन जवानों पर
बाहर खोल दिया जिसमें ये कैजुअलिटीज हुई है। What I can inform you is that we took stock of yesterday in the HQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists, the support he is likely to be getting from across the line of control or the border, and I've chalked out a manner or a strategy to deal with it. What actually has happened over the last 5 years in the Jammu and Kashmir is a large number of terrorists, almost 720, have been neutralized. We have inducted additional forces and we are confident that we will handle this situation. आज से 9 दिन पहले 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र वाली नई सत्ता शुरू हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद से आतंकियों ने खास तौर पर कश्मीर को टारगेट किया है और हर हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इस दहशतगर्दी और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। वहां की सत्ता ने पाकिस्तान का नाम लेकर मैसेज दिया है। आतंकी हमलों की संख्या अचानक बढ़ी है और पाकिस्तान का टारगेट है कि कश्मीर में लोकतंत्र को डीरेल कर दिया जाए, वहां के लोगों के विश्वास और उम्मीदों को खत्म कर दिया जाए। आप भी 8 दिनों में 4 आतंकी हमलों वाला टेरर कैलेंडर देखिए। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के शोपियां में टारगेट किलिंग की गई। आतंकियों ने एक प्रवासी युवक की हत्या की, यानी बाहर से आए लोगों को टारगेट किया गया। इसके 2 दिन बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल में बड़ा आतंकी हमला हुआ। टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की गई। आतंकियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। यहां भी बाहरी लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर था। 24 अक्टूबर यानी कल पुलवामा के बटगुंड में आतंकी हमला हुआ। टारगेट किलिंग की कोशिश की गई जिसमें एक प्रवासी मजदूर को गोली लगी। आज भी उसका इलाज जारी है। 24 अक्टूबर की शाम को गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हुए और कुल 5 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में माहौल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आतंकी मुख्य रूप से किन लोगों को टारगेट बना रहे हैं ये भी देखिए। प्रवासी मजदूर या बाहरी लोग सबसे बड़ा टारगेट है। कश्मीरी पंडित, इसके बाद सरकारी ऑफिसर, सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी, और स्थानीय निकाय में चुने हुए लोग, यानी आतंकियों को जम्मू कश्मीर के नैरेटिव पर अपनी पकड़ चाहिए। हर वो इंसान आतंकियों के गन पॉइंट पर है जो जम्मू कश्मीर में बदलाव की उम्मीद लेकर चल रहा है। आतंकी हमलों पर राजनीति का पारा भी हाई है। तमाम पार्टियों के नेता पाकिस्तान पर जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं। ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचे। जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, ये उसकी साजिश है। हम उसको भी चेतावनी देते हैं कि भाई इस प्रकार की साजिश करोगे तो आपका भी कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। हमारी गुजारिश इसीलिए सबसे है, रही है, इसीलिए इंजीनियर शीत बदनाम भी है कि मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को कि आपको टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करनी पड़ेगी। ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कौन जिम्मेवार है, और इसके बदले के वो आए, इसके बदले हम वहां जाएं और 2-3-4 बार बालाकोट करें, पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दें। स्ट्रेटजिक्स है
कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चले, वो बहाल हो। इससे निपटना है और सबको निपटना है। उनकी शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। पहले भी ये पत्थरबाजी, जुलूस, ये जो आतंकवाद की कमर काफ़ी तोड़ी गई है, और इस पर काम करने की जरूरत है जो हो रहा है।